अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहे हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। आज का व्लॉग स्टार्ट में तो बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन एंड देख के थोड़ा सा दिल उदास हो जाएगा। खैर स्टार्ट करते हैं। मैं खाना बना रही थी, चाउमिन बनाई। तो ये जी हमारे घर में ना हमारी जो मानो है, आप अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखते रहते हैं, बड़ी प्यारी सी एक मानो है। तो उसके ना बच्चे हुए ना, तो इतने क्यूट बच्चे। अच्छा मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। हुआ क्या, हमारी जो मानो थी प्रेग्नेंट हमने पता था, लेकिन ना वो दो दिन से अजीब हरकतें कर रही थी। तो उसके बाद ना क्या हुआ, वो एकदम से ना घर से गायब हो गई। ईद वाले दिन वो ना घर से गायब हो गई। अच्छा हम ढूंढे कि उसका खाने का टाइम है तो ये वो ना, तो हमने बड़ा ढूंढा, हमें नहीं मिली। ईद से नेक्स्ट जो ईद का सेकंड डे था ना, ईद के फर्स्ट डे में तो आपने देखा होगा वो मेरे व्लॉग में भी थी ना, वो व्लॉग के बाद ना वो गायब हो गई। सेकेंड डे पर वो मतलब नहीं थी ना। तो हम लोग सुबह सेकंड डे, ईद के सेकंड डे ढूंढ रहे कि कहाँ गई, उसका खाने का टाइम है, दूध का टाइम है, तो नहीं जी वो नहीं मिली। उसके बाद वो हमें मानो ईद के थर्ड डे मिली, और थर्ड डे भी वो इस तरह से कि वो उसकी म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आई ना, तो हम लोगों ने कहा कि ये तो हमारी मानो की आवाज़ है, क्योंकि हमारे घर में और भी बिल्लियाँ आती हैं लेकिन हम अपनी मानो की आवाज़ पहचान लेते हैं ना। तो ये मानो जी, मैं फटाफट गई और देखा मानो, मानो भाग के ना हमारे गार्डन में टायर लगे हुए हैं, वो अभी आप देखेंगे। तो वहाँ पे मतलब मानो जी वहाँ पे छुपी बैठी थी, और यहाँ पे इसने ना बच्चे दिए हुए थे। और हम हैरान हो गए कि ये काफ़ी दिनों से ना हमारे घर के अंदर भी आ रही थी, कमरों में घुस रही थी, और हमें लग रहा था कि ये ना बच्चों के लिए जगह ढूंढ रही है कि मैं कहाँ पे डिलीवरी करूँ। तो जी फिर ये हुआ कि ये इसने ना यहाँ पे टायर में, यहाँ पे हमारे पौधे लगे होते हैं तो वो आजकल वो पौधे मतलब यहाँ से निकाले हुए थे ना, तो ये यहाँ पे जी छुप के बैठी हुई और इसके बच्चे, और हमें पता ही नहीं कि यहाँ पे हैं इसके बच्चे। और फिर ये मानो जी हमें देख के बड़ी वो हुई भी थी। अच्छा अपने बच्चों से हटी नहीं, हमने फटाफट बास्केट ली और बास्केट में टॉवल बिछा के वो भी रखा, इसके बच्चे को निकाल के टॉवल पे भी डाला, लेकिन ये अपने मुंह से उठा के फिर बच्चे को ना अंदर ले जाती थी, अपने नीचे छुपा लेती थी ना। तो फिर हम लोग फटाफट इसको ना हम लोगों ने दूध पिलाया ना, और आप यकीन करें इस तरह इसने दूध पिया कि जिस तरह पता नहीं कितने दिनों की भूखी थी ना, मतलब तेज़ी तेज़ी से इसने दूध पिया। और दूध के ये वाले जो आपको बाउल नज़र आ रही है कि ये दो पिए इसने माशाल्लाह से, ये इतनी भूखी हुई हुई थी ना। तो फिर हम कोशिश करते रहे, हमने कोशिश करके इसके बच्चों को देखा, तो हाथ भी हमें लगाने दिया, इसको पता था ये हमारे अपने हैं ना। तो इतने प्यारे दो वाइट कलर के थे, और एक सेम इसी की डिटू कॉपी, ये देखें आप, ये नज़र आ रहे होंगे आपको, और एक बिल्कुल इसकी डिटू कॉपी था। तो फिर इसी तरह करके ना मानो मैडम तो इस टायर से निकली नहीं। अगले दिन जी हम तो बड़ी कोशिश करते रहे कि वो बास्केट में आ जाए, हम इसको अंदर ले जाएं, बट वो अपने बच्चों को फिर उठाती और इधर टायर में ले आती ना। तो फिर हमने कहा यहाँ पे फिर इसको होगा कि मैं कंफर्टेबल हूँ तो ठीक है। क्या हुआ कि रात में इसके दो बच्चे ना उनकी डेथ हो गई। तो बड़ा मतलब दुख हुआ है, वो बच्चे जो है ना वो हम लोगों ने ना दफन कर दिए ना। तो इसी तरह फिर मानो ने क्या किया, वो बच्चे हो गए। अच्छा फिर जो इसका एक बच्चा रह गया था वो भी, उसकी भी ना कल डेथ हो गई बच्चे की ना। तो पता नहीं क्या वजह इसके, मैं जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मेरा जो सेकंड व्लॉग था ना आज से 6 महीने पहले, सेकंड व्लॉग भी मानो का था, मानो के ना बच्चे पैदा हुए थे, तो वो मैंने व्लॉग बनाया था, वो भी इसके बच्चों की डेथ हो गई थी। अब अल्लाह जाने रीज़न क्या है, मुझे नहीं पता। तो अभी भी इसके हुए हैं बेबीज़, तो बच्चे तो वो बचे नहीं हैं। ये देखें जैसे हम लोगों ने ना ये एक टायर हटाया, इसको कंफर्टेबल बनाया कि ये किसी तरीके से अपने बच्चों को यहाँ पे रखे, बास्केट में रखे, लेकिन ये नहीं रखने दे रही थी। हम रखते थे ये उठा के वापस वहाँ पे ले जाती थी ना।
तो फिर इसको हम लोगों ने फिर एक दफ़ा दूध पिलाया, मतलब किसी तरीके से हमने कहा ये हेल्दी रहे, क्योंकि माशाल्लाह से ना ये आपको शायद पिक्चर्स में नहीं नज़र आती होगी, लेकिन ये माशाल्लाह बड़ी तगड़ी हो गई थी। इसका खाने पीने का सारा बड़ा ज़बरदस्त मतलब सिस्टम था। फिर ऐसे ही हुआ कि इसका ना जो तीसरा बच्चा है वो कल फोत हुआ, तो आप यकीन करें, आप देखें, हमने उसको रैप करके तो दफन इसके सामने किया ताकि इसको हो कि हाँ वो डेथ होगी। आप यकीन करें, यहाँ पे मैं आवाज़ें रिकॉर्ड अगर करती ना, इतना इसने शोर डाला है, इतना शोर डाला है कि बस बड़ा दुख हुआ हम लोगों को बहुत ज़्यादा। फिर हमने करीब ही उनको मतलब दफन कर दिया बच्चे को। तो फिर मानो बड़ी उदास हुई है, आप यकीन करें, इसने 24 घंटे मटन चिकन उसको मुंह नहीं लगाया। हम लोग खाना देते थे, ये नहीं खा रही थी। इसको इतना अपने बच्चों का दुख अभी भी मतलब मैं नोटिस कर रही हूँ, आज मैंने नोटिस किया। ये सोई भी थी, सो के उठी है, एकदम अपने इर्द गिर्द ऐसे देख रही थी जैसे किसी चीज़ को ढूंढ रही है, देखें अभी भी। तो उस टाइम हमने जैसे दफन किया, ये फिर एकदम भाग के, जैसा गुस्से से नहीं बंदा जाता या दुख से, ये यहाँ से हट गई। पहले यहाँ पे बैठ के शोर मचाती रही, फिर ना ये हट गई, और मतलब बड़ा बड़ा मुझे तो बड़ा ही दुख हो रहा था, बहुत रोना भी आ रहा था। जो भी है, माँ माँ ही होती है, चाहे इंसानों की हो जानवरों की हो। तो फिर इसको ये देखें, अब ये मतलब गुस्से से या दुख में उधर चली गई, और फिर इसको लाड़ शाड़ हम लोगों ने किया, तो मतलब थोड़ा तसल्ली दी अपनी तरफ से, हम यही कर सकते थे तो करके। लेकिन इसने बड़ी देर तक कुछ भी नहीं खाया, मतलब 24 घंटे इसने कुछ नहीं खाया मानो ने। तो खैर अल्लाह की मर्ज़ी, हम कुछ नहीं कह सकते। तो पता नहीं क्या रीज़न है, अगर आपको भी पता हो तो लाजमी मुझे बताएं कि क्या रीज़न है, इसके बच्चे क्यों उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कि मानो बड़ी उदास रही है, बिल्कुल खाना पीना नहीं, आज से इसने स्टार्ट किया कुछ खाना पीना। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।